सो बेसिकली हुआ ये कि मैं YouTube स्क्रॉल कर रही थी और मेरे सामने दो वीडियोस आए, दो अच्छे खासे रेनाउंड यूट्यूबर्स के, जो कि आज की डेट में जिनको लोग कम से कम बाय फेस जानते हैं, ठीक है। तो वो दो लड़कियों के वीडियोस थे जो मैंने देखा, एंड मैंने उसे सेकंड टाइम मेरे सामने सजेशन में आया था, फर्स्ट टाइम मैंने देखा भी नहीं था। सेकंड टाइम मैंने सोचा मैं देख लेती हूँ एटलीस्ट। अच्छा, जब मैंने वो वीडियोज़ प्ले किया, मैंने सुना, उनकी पर्सनल स्टोरी थी उसमें। एक की तो स्टोरी ऐसी थी जिसमें उन्होंने बताया कि उनके एक वायरल शॉट पे लोगों ने क्या कमेंट किया उनके ऊपर, कि उन्हें बीइंग अ गर्ल क्या आता है क्या नहीं आता है, लोग उन्हें वो बताने लग गए। एंड दूसरा एक था जिसमें एक लड़की थी जो बता रही थी अपनी रिलेशनशिप्स के बारे में, अपनी एंग्जाइटी के बारे में, जिन चीज़ों से वो गुजर रही है इस वक्त, उन चीज़ों के बारे में शेयर कर रही थी कि वो क्यों अभी यूट्यूब पे अपडेट नहीं दे पा रही अपना, और लोग उसे थ्रेट भी कर रहे हैं उसके फॉलोअर्स कहीं ना कहीं कि अगर आप कॉन्टेंट नहीं डालोगे तो हम आपको अनफॉलो कर देंगे। मैंने पूरे दोनों के वीडियोस देखे, टोटल 40 मिनट लगा मुझे। ये चीज़ देखकर ऐसा लगा कि बाय माय गॉड, मेरे इतने महीने हो गए हैं, मैंने कोई ढंग से कंसिस्टेंटली कोई वीडियो डाला नहीं है, मेरे अभी इतने टाइम में बहुत हो सकते थे सब्सक्राइबर्स, मेरे नहीं हैं। एंड ऑनेस्टली मैं अभी काफ़ी टाइम से पोस्ट नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरे अंदर इस चीज़ का डर, एंग्जाइटी, टेंशन, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा था। मैं पिछले कई महीनों से बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल के एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन से गुजर रही हूँ। वैसे तो ये चीज़ें बैक टू बैक चलती आ रही है मेरे लाइफ में अभी काफ़ी साल हो गया है अभी, लेकिन इस साल चीज़ें कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम लेवल पे गई, ठीक है। और मेरे साथ खासकर, मुझे कभी भी एंग्जाइटी क्या होती है मैंने सिर्फ पढ़ा था, क्योंकि मैं साइकोलॉजी बैकग्राउंड की हूँ, मैंने कभी महसूस नहीं किया था। यहाँ तक कि मेरे काफ़ी क्लोज लोगों ने भी मुझे बताया, अपने लोगों ने, कि उनको एंग्जाइटी होती है, तो मुझे नहीं पता था एंग्जाइटी क्या होती है। हालांकि मुझे एंग्जाइटी एग्जैक्टली वैसे नहीं हो रही है, मुझे लगता था एंग्जाइटी वही होती है जो हम लोग पढ़ते हैं अक्सर, उसके अलग फॉर्म्स भी होते हैं। एंग्जाइटी आपको कई तरीके से रिफ्लेक्ट कर सकती है कि हाँ, आपको थोड़ी बहुत एंग्जाइटी हो रही है। मैं नहीं कहूँगी कि मैं एंग्जाइटी की बहुत बड़ी पेशेंट बन चुकी हूँ इस वक्त, लेकिन हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे ज़रूर एंग्शियस फील हो रहा है इस वक्त लाइफ में, ठीक है। और उसका तरीका मेरा रिफ्लेक्ट करने का ये है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ ऑनेस्टली, और मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है। मेरे अपने लोगों को पता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ फ़िलहाल। मैं जो जानती भी हूँ करने के लिए, जो मैं चाहती भी हूँ करना, जैसे अपना ध्यान देना, अपने YouTube पे फोकस करना, मैं नहीं कर पा रही हूँ। मुझे नहीं लगता शायद मैं 1% भी दे रही हूँ ऑनेस्टली, जो मैं दे सकती हूँ उसका। और मुझे इस चीज़ की उतनी ही टेंशन भी दिन ब दिन होती जा रही है। तो अगर लोगों को ये लग रहा है कि मैं YouTube पे बस एक चैनल बना के बैठ गई हूँ और मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मुझे इसको कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ रहा कि क्या हो रहा है मेरे लाइफ में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे हर सेकेंड फ़र्क पड़ रहा है। मैं बहुत सो रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खा भी रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन भी ले रही हूँ, मैं उतनी ही प्यासी भी रहती हूँ, भूखी भी रहती हूँ, सारी चीज़ें साथ में मिक्स इमोशंस चल रहे हैं। अब मेन बात यह है कि मैं वीडियो में बोलना क्या चाह रही हूँ। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि मुझे ऑनेस्टली यूट्यूब स्कैरी लग रहा है अब। ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब पे बहुत काम नहीं करना चाहती या फिर मैं बहुत आगे नहीं बढ़ना चाहती। मैं भी चाहती हूँ मेरे बहुत सब्सक्राइबर्स हों, वो मुझे पसंद करें, वो मुझे पसंद करें क्योंकि मैं हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे ये भी दिखता है कि दूसरे ही लोगों के साथ किस तरीके का ट्रीटमेंट होता है, जैसे जैसे उनके सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं डे बाय डे। अब मुझे भी लोग बहुत सारी चीज़ों को लेके बहुत कमेंट्स करेंगे, मुझे मालूम है आने वाले टाइम में, अगर मेरी सारी चीज़ें यूट्यूब पे होपफुली अच्छी रही तो, कि तुम कैसी हो, क्या है तुम्हारा, स्टार्टिंग में तो ऐसे थे, बाद में ऐसा हुआ, ये वो, खुद को देखो, ऐसे बहुत कमेंट्स आएंगे। लेकिन बात यह है कि मुझे ना थोड़ा डर सा लगने लगा कि अगर एक टाइम के बाद मैं, अगर आज की डेट में यूट्यूब पे इतनी प्रॉब्लम्स को झेलते हुए आज अगर एफ़र्ट डालूं भी, तो मुझे एट द एंड मिलेगा क्या बाद में ये रिस्पॉन्स, जब मैं चाहूँगी कि मैं इंडिपेंडेंटली कुछ करना चाहती हूँ ऑनलाइन किसी प्लेटफॉर्म पे, लेकिन अगर मैं इंडिपेंडेंट रह ही ना पाऊँ तो मैं करूँगी कैसे।